पाक भारत मैच में बादलों की जीत। पाकिस्तानी पेसर्स ने भारतीय बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा दी। बारिश ने बड़ी मुश्किल से भारत की इज्जत बचाई। बुरखा रुत ने पाकिस्तान के इनिंग्स ही शुरू न होने दी। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने भारतीय बल्लेबाजों को तिगनी का नाश नचाया। 7 गेंद पहले ही पूरी भारतीय टीम को 266 पर ढेर किया। ईशान ने 82 और पांड्या ने 87 रन बनाए। शाहीन की उड़ान, रौफ की रफ्तार, कोहली, शर्मा, शबमन और अय्यर सपना काम। एशिया कप वनडे की तारीख में पहली बार 10 की 10 विकेटें फास्ट बॉलर्स के नाम। शाहीन का तबाह कुन स्पेल, 35 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए। हारिस रऊफ और नसीम शाह की 3-3 विकेटें। कप्तान बाबर आजम कौमी फास्ट बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी के मोहतरफ। कहते हैं फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी पूरी टीम के लिए एतमाद बढ़ाने का बाइस है। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह तारीफ के मुस्तहिक हैं। कजाफी स्टेडियम लाहौर भी एशिया कप की मेजबानी के लिए तैयार। अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज टकराएंगी। दोनों टीमों के कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस, खूब हाथ पांव खोले। महंगाई और बिजली के भारी बिल नामंजूर। मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। जमात इस्लामी और ताजर तंजीमों की कॉल पर छोटे बड़े शहरों में कारोबार जज्वी बंद रहे। लाहौर, पशावर, कोयटा और इस्लामाबाद में शटर डाउन हड़ताल। कराची के मुतअद्दिद होटल्स भी बंद रहे। कराची ताजर एक्शन कमेटी का बिजली और पेट्रोल की कीमतें वापस लेने के लिए 72 घंटों का अल्टीमेटम। हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध भी कारोबार बंद रहा। रावलपिंडी गुजरावाला में ख्वाजा सराओं का शदीद एहतजाज। दुकानें जल्द बंद करने का फैसला सुबह को एतमाद में लेकर करेंगे। फैसले का नफाज जल्द नजर आएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है बिजली के मामले पर जल्दी फैसला नहीं करना चाहते। हम ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो बाद में वापस लेना पड़े। ये नहीं कहा था, बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। बिजली, पेट्रोल, आटे के बाद चीनी भी गरीब की पहुंच से बाहर। रेट आसमान पर पहुंच गए। कई शहरों में चीनी की कीमत 190 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। बलूचिस्तान में कस्टम मुकाम का क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 20 ट्रक पकड़ लिए। लाखों टन चीनी बरामद। चेयरमैन पीटीआई ने मलऊन सलमान रिश्ते के वकील को अपना वकील मुकर्रर कर लिया। रहनुमा मुसद्दिक नून अता तारर का इल्ज़ाम। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालत में जा रहे हैं। आलमी अदालत में नुमाइंदगी के लिए वकील जेफरी रॉबर्टसन को मुकर्रर किया गया। जेफरी रॉबर्टसन ने मलऊन सलमान रिश्ती को अपने घर में पनाह भी दी थी। सलमान रिश्ती के वकील का तो करुण नहीं किया। तर्जुमान तरीके इंसाफ की तर्दीद। कहा गुमराह कुन इतलात में कोई सदाकत नहीं, ना ही ऐसे किसी इकदाम को चेयरमैन पीटीआई की तायीद हासिल है। हम पाकिस्तान के निज़ाम में इंसाफी से हकूक के तलबगार हैं। पाकिस्तान बिलाशुबा दस्तूर से इन्हराफ और लाकानूनियत की इज्जत में है।